संभल पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। चोरों के अंतर्राज्यीय गैंग का भंडाफोड़ कर 5 चोरों को चुराए गए 13 लाख कैश, जेवर, आईफोन, बाइक समेत गिरफ्तार किया है। गैंग के सदस्य की उम्र 16 से 19 वर्ष है, जिनमें 3 नाबालिग है। बड़े चोर गैंग का भंडाफोड़ चंदौसी कोतवाली पुलिस एवं सर्विलांस टीम ने कर दिया है। पुलिस ने गैंग के 5 सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। 60 लाख की चोरी समेत चोरी की 4 घटनाओं का खुलासा किया है। गैंग बंद मकानों या भीड़भाड़ वाले इलाकों में रेकी कर मकानों से नकदी जेवर या नकदी जेवर के बैग चुराता था। पुलिस ने गैंग के पास से 13 लाख कैश के अलावा लाखों के जेवर, 5 आईफोन, 4 बाइक भी बरामद की है। गिरोह के 4 सदस्य संभल जनपद के हैं और एक हरदोई जिले का है। एसपी चक्रेश मिश्रा ने गैंग के खुलासे गिरफ्तारी की पीसी कर मीडिया को जानकारी दी। क्योंकि गैंग के सिर्फ 2 सदस्य बालिग थे, इसलिए उन्हें ही पीसी में कैमरे के सामने पेश किया। द इंडियन समाचार, प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। चोरी का खुलासा किया गया है, क्या है पूरा मामला? एसओजी सर्विलांस की टीम तथा थाना चंदौसी के द्वारा आज एक चोरों के गिरोह का खुलासा किया गया है। इसमें कुल 2 अभियुक्त, जिनके नाम गुड्डू और सूरज हैं, इनकी उम्र लगभग 19 वर्ष है, दोनों को गिरफ्तार किया गया है। साथ में 3 बाल अपचारी भी इसमें पुलिस के पास आए हैं, जिनको उचित वैधानिक कार्रवाई के लिए माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। इनके पास से कुल 12,93,000 रुपए नकद, सोने चांदी के आभूषण, 4 नई मोटरसाइकिल, 5 आईफोन ये बरामद किए गए हैं। इनके द्वारा पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि इनके द्वारा चंदौसी थाने में 2, हयातनगर थाने में 1 और हरियाणा जिले के पंचकुला सेक्टर 5 थाने में एक बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया है। सेक्टर 5 जिला पंचकुला हरियाणा की जो चोरी है, उसमें 60 लाख रुपए चोरी होने की बात इन लोगों के द्वारा स्वीकार की गई है और उसमें से काफी पैसा इन्होंने अपने देखरेख में अपने घर परिवार वालों के ऊपर खर्च कर लिया। जो पैसा बचा हुआ है वो आज बरामद किया गया है। इनके पास से 2 अवैध चाकू भी बरामद किए गए हैं। इसके साथ में इनके जो गिरोह के कुछ लोग हैं जो अभी हरियाणा में गिरफ्तारी हेतु शेष हैं, उनके लिए अंतर्राज्यीय टीम बनाकर उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार ये अंतर्राज्यीय चोरों के गिरोह का गिरफ्तारी करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है और उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कितने रुपए बरामद हुए इनसे? कुल 12,93,000 रुपए अभी बरामद हुए हैं, बाकी और के लिए प्रयास किया जा रहा है।